अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस शनिवार को देश भर में मनाया गया। इस मौके पर पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के राज्य के संग्रहालय और स्मारकों पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा। राजधानी जयपुर में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, तो वहीं जंतर मंतर पर संग्रहालय दिवस के मौके पर एक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें ज्योतिषाचार्य ने जंतर मंतर के यंत्रों के बारे में जानकारी दी। तो वहीं इस दौरान जंतर मंतर पर परिंदे भी बांधे गए। इसके अलावा आमेर फोर्ट में भी प्रदर्शनी लगाई गई है। आज पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर जंतर मंतर पर वैज्ञानिक कार्यक्रम रखा गया, संवाद कार्यक्रम, जिसमें यंत्रों की उपयोगिता पर और उनकी महत्ता पर, उनकी वैज्ञानिकता पर चर्चा की जाएगी ज्योतिषविदों द्वारा, वास्तु विद्वानों द्वारा। और शाम को आकाशीय दर्शन नामक कार्यक्रम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से। और मंडे जो मॉर्निंग में जो कार्यक्रम है वो संस्कृत एजुकेशन के सहयोग से है। बहुत खुशी हो रही है कि आज फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे जंतर मंतर देखने के लिए आ रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अ साइंटिफिक प्लेस बट इट्स एंशिएंट, सो बहुत खुशी हो रही है कि आज इंटरनेशनल नेशनल म्यूजियम डे पे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। हम हवाई से आए हैं पर हम नेपाली है। यहाँ पे आज तिलक और वो कुमकुम से हमारा स्वागत किया गया है और ये पूरा आज फ्री एंट्री की गई है और पूरा राजस्थान हम घूमने आए हैं। यहाँ पे अहमदाबाद से आए हैं। जंतर मंतर देखा आपने? हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, बहुत अच्छा लगा। आज फ्री एंट्री रखी है तो गवर्नमेंट को थैंक्स के सब टूरिस्ट ज़्यादा घूम पा रहे हैं। कोई कोई वरना टिकट की वजह से घूम नहीं पा रहे, पर आज अच्छा लग रहा है घूमकर, फ्री एंट्री है और ये जंतर मंतर में भी बहुत अच्छा है। जयपुर में आज वर्ल्ड म्यूजियम डे है तो हम उज्जैन से यहाँ पे आए हैं और आज मतलब सारी एंट्रीज जो भी है फोर्ट की और म्यूजियम्स की और सारी चीज़ें फ्री आज करी है गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और ये हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सारी फैसिलिटी सब बहुत अच्छा था।